हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चल रहे हैं तो 7th क्वेश्चन में लास्ट सॉल्व कराया था, आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ऑन अ टू लेन रोड कार ए इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। Two cars B and C approach car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? Practically socho. तुम कहीं जा रहे हो किसी रोड पे, मान लो ऐसे अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएं, तो सपोज करो कार ए ये चल रही होगी ऐसे। अब इसको दो कार अप्रोच कर रही हैं, कौन कौन सी, बी और सी, इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब अपोजिट डायरेक्शन में कैसे अप्रोच करेंगी, मान लो बी ऐसे अप्रोच कर रही है, ये कार बी है, छोटा करें यार कहां से होगा छोटा, और दूसरी कार अप्रोच कर रही है सी, ये बी है ये सी, कैसे अप्रोच करेगी ऐसे, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तरीके से अप्रोच करेगी, छोटा हुआ है भाई, अच्छा ये सबसे छोटा है, इस तरीके से अप्रोच कर रही है। अब होगा क्या, कह रहा किसी एक इंस्टेंट पे ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, डिस्टेंस दे रखी है दोनों, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस। अब बी सोचता है यार मैं ए को ओवरटेक कर दूं उससे पहले कि सी करे, तो बी को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा कि एक्सीडेंट बच जाए। अब जुकाम है थोड़ी सी, क्या कॉन्सेप्ट आएगा, मैं अगर होता तो सोचो, मैंने सोचा यार सी ओवरटेक करे ए को, इससे पहले बी को करना है, तो क्या करूंगा, मैं सोचूंगा सी को टाइम कितना लग रहा है, पहले मैं सी का टाइम निकाल लूंगा, अगर सी ओवरटेक करता तो कितना टाइम लेता, अब मुझे उसी टाइम पे अपना एक्सेलरेशन दे देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सी को ओवरटेक सोचने पे कि सी अगर ओवरटेक करता तो कितना टाइम लेता, तो वहां से हमको टाइम निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, डेटा पुट करते हैं, बी ए कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, 36 इंटू 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी भी कितना है, वेलोसिटी दोनों की 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। इसी पॉइंट पे अगर मैं सी को सोचूं तो सी क्या कर रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, इधर आ रहा है, तो सी की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या जाएगी, 54 किलोमीटर पर आर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है जिसकी वजह से हम यहाँ माइनस लगा लेंगे, ये माइनस आपको रिलेटिव वेलोसिटी में समझाया जा चुका है, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले आप सी के बारे में सोचो, क्यों, क्योंकि बी ने डिसाइड किया था ओवरटेक करने को, अब अगर बी ने ओवरटेक करने को डिसाइड किया था कि सी से पहले कर दूं तो सी का टाइम तो पता होना चाहिए, अगर मुझे सी का टाइम पता होगा कि सी को ओवरटेक करना है तो मैं अपने बी को ओवरटेक करा लूंगा, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं सी के लिए, पर सी रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि बात तो ए के साथ है ना, और सी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, बी सी ए कितना आ गया
माइनस 15 मतलब वी सी माइनस वी ए है ना, माइनस 15 माइनस 10 माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एसी की डिस्टेंस कितनी है, एसी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। टाइम निकाल लो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 1000 मीटर, स्पीड कितनी 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मैं माइनस नहीं ले सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं आता है, टाइम कितना आ गया बेटा 40 सेकेंड्स। ये बात समझ में आ गई। सी को कितना टाइम लगेगा बेटा ओवरटेक करने में, 40 सेकेंड। अब मैंने एक चीज तो समझ लिया यार कि अगर बी को ओवरटेक करना है तो कितना टाइम चाहिए, 40 सेकेंड का टाइम चाहिए। अब सोचो और बी की बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी बी ए निकालो क्या आएगा, बी बी माइनस बी ए कितना आया बेटा, बी बी कितना था 15, बी ए कितना था 10, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। मजा आ रहा है, इसको हम बात करेंगे u, BBA यहाँ पे हमारा किसका काम करेगा, u का। क्वेश्चन है क्या, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, हमें a चाहिए। अब कितने टाइम में करना चाहिए, जितना टाइम c को लगा होगा, कितना टाइम लगा है c को लगा है 40 सेकेंड, 40 सेकेंड c को लग गया। अच्छा भैया तो निकालना, अच्छा डिस्टेंस कितनी है AB, ए बी और एसी दोनों 1 किलोमीटर थे, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अब यू ए टी एस कौन सी इक्वेशन लगाओगे, यूजिंग एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है 1000, यू कितना है 5, टी कितना है 40, प्लस हाफ ए कितना है चाहिए, टी कितना है 40, या 1000 इक्वल 200 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 40 का स्क्वायर 1600, ये घटा कितना बचा 800, 200 माइनस में जाएगा तो 1000 माइनस 200 इक्वल 800 इंटू ए, इट इज 800 इक्वल 800 ए, तो ए इक्वल आ जाएगा आपका 800 अपॉन 800, तो ए आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बी को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा जिससे वो ओवरटेक कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 3.8, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, बी को ओवरटेक कराना था तो आपको सी का टाइम चाहिए, सी से टाइम निकाल लो, बी से ए निकाल लो। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, ओके बेटा, थैंक यू।